तो बच्चों क्वेश्चन हमारे पास है अब। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इक्वल टू वन। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ये हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स हमें गिवन ये है, तो इस तरह के सवाल को करेंगे कैसे? हमें गिवन क्या है? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, ये हमें गिवन है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, लेट करेंगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए कॉस इनवर्स y इक्वल टू बी एंड कॉस इनवर्स z इक्वल टू सी, ये हम लोग लेट कर लेंगे। अब अगर ऐसा है जो हमने मान लिया कि कॉस इनवर्स x इक्वल टू ए कॉस इनवर्स y इक्वल टू बी कॉस इनवर्स z इक्वल टू सी हमने मान लिया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इक्वल टू कॉस ए y इक्वल टू कॉस बी एंड सी इक्वल टू कॉस सॉरी जेड इक्वल टू कॉस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो हमने कॉस इनवर्स ए माना, यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं ये। सो हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई। ठीक है, अब यहाँ से सी को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम बोथ साइड कॉस ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हमको एक फॉर्मूला पता है कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला हमें पता है, इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस सॉरी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले का यूज़ करके हम इसको खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब स्टूडेंट्स ये भी आपको पता है कि कॉस पाई माइनस सी यानी मतलब कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो माइनस कॉस सी है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और इस पूरी टर्म को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू साइन ए साइन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स एक और फार्मूला आपको पता है, ये हमारा फार्मूला था, एक और फार्मूला आपको पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन। ठीक है, और इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम कह सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम चेंज करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला से तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू रूट साइन ए है, तो साइन ए है तो क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसको यहाँ पर है साइन बी तो लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए
कॉस ए को आप लिख सकते हो एक्स, कॉस बी को लिख सकते हो यहां से वाई, कॉस सी को लिख सकते हो आप लोग जेड, ठीक है। रूट वन माइनस, अब कॉस को लिख सकते हो ए, कॉस ए को लिख सकते हो एक्स, तो कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं वन माइनस कॉस बी को हम लिख सकते हैं वाई, तो कॉस स्क्वायर बी को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब हम स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, हम स्क्वायरिंग कर देते हैं और यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का हो, एक्स प्लस वाई, सॉरी ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। और इस साइड में क्या होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायरिंग करने से बोथ साइड। अब इसको स्क्वायर को खोल देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड, ठीक है, इक्वल टू। अब इस साइड में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वन का वन से करेंगे वन, फिर वन का वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का वन से माइनस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए इस साइड में भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इस साइड में भी है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, वाई स्क्वायर को भी ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर यहाँ पहले से ही है, प्लस टू एक्स वाई जेड भी है, और इधर रह गया वन। तो यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताएं, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्क्रीनशॉट ले लें।